गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोग के साथ दर्पण की चर्चा करूंगा। दर्पण क्या है? दर्पण जिसे अंग्रेजी में हम लोग मिरर कहते हैं, मिरर। कहता है जिससे नियमित परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं, जिससे नियमित परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। प्रत्येक दर्पण में दो सतहें होती हैं, एक सतह जिससे प्रकाश के नियमित परावर्तन होता है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, और दूसरा कलई की गई या रंगी गई सतहें। जैसे ऐसे देखें, मान लिया जाए कोई ऐसे है, एक सतह को हम ऐसे 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 रंग दिए, ऐसे 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 जहाँ भी है ये रंगा हुआ भाग है, तो ऊपर वाले सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे, परावर्तक सतह। और ई वाला सतह को हम लोग कलई की गई सतह कहेंगे, कलई की गई सतह कहते हैं। यानी कहेंगे दर्पण वे होते हैं जिससे नियमित परावर्तन होते हैं। प्रत्येक दर्पण में दो सतहें हैं, एक जिससे प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है उसे परावर्तक सतह, और दूसरा जो रंगा हुआ भाग होता है उसको हम लोग कलई की गई सतह कहते हैं। हम लोग सोचते होंगे दर्पण का मतलब ऐनक, जिसका हम लोग इस्तेमाल चेहरा देखने में करते हैं। जब छोटा छोटे थे आप, मैं तो छोटा था तो मेरे को यही लगा कि दर्पण बेकार बाज़ार से ख़रीदते हैं ऐनक, इसे तो हम घर पर भी बना सकते हैं। कहीं से हमने एक कांच का टुकड़ा लाया, कांच के टुकड़े के माँ के नेल पॉलिश से पूरा उसको पेंट कर दिया, और फिर जब देखे हम बाद में, बहुत धूप में छोड़ दी सूखने के लिए, तो बाद में देखे तो मेरी इच्छा हुई कि ज़रा हम आज तो मैं दर्पण बना दिया हूँ, हाँ मैं अपने दर्पण से चेहरा देखूँगा। लेकिन जब मैंने दर्पण देखा तो देखे कि क्या है, मतलब देखे कि उधर से भी लाल दिखाई दे रहा है, इधर से भी लाल दिखाई दे रहा है, मेरा चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि कलई की करने के लिए कोई विशेष प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता होगा। जिस विशेष प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड होता है। यानी दर्पण कांच का बना होता है, प्रत्येक दर्पण में दो सतहें होती हैं, एक सतह जिससे प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं घटती हैं, और दूसरा सतह जिस पर कलई की गई होती हैं। दर्पण पर कलई करने के लिए सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाते हैं। इतनी बातें ख्याल हो गई। दर्पण न दो प्रकार के, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरे का नाम गोलीय दर्पण होता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग प्लेन मिरर, ऐसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, इसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण, देखें दर्पण किसे कहते हैं, फिर से एक बार मैं चर्चा कर दूं कि जिससे नियमित परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। प्रत्येक दर्पण की दो सतहें होती हैं, एक परावर्तक सतह जिससे प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं घटती हैं, दूसरा कलाई की गई सतह, कलाई की गई सतह जिधर से रंगा होता है दर्पण। रंगने के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार के रसायन सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाते हैं, ठीक है। दर्पण ना दो प्रकार के, समतल दर्पण और कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का डिफिनीशन ही है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। जैसे ऐसे मान लिया जाए कोई ऐसा दर्पण है, बिल्कुल इसकी परावर्तक सतहें समतल हैं, इधर से हमने कलई ऐसे ऐसे कर दिया
तो कौन से दर्पण हो गए, समतल दर्पण। वे दर्पण जिनका प्रवर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे ऐसे मान लिए जाए कि कोई ऐसा गोली, कांच का कोई गोला है, अब इसके हम कुछ भागों को ऐसे ऐसे इधर से कलाई कर दें, ऐसे ऐसे ऐसे, और या फिर इसको ऐसे ऐसे भी तो रंग सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे, और यहाँ से काट करके अलग, यहाँ से काट करके अलग हटा लें, तो हमें दो तरह के दर्पण मिलेंगे, एक मिलेंगे ऐसे और एक मिलेंगे मेरे को ऐसे। देखें, अब आप देखें इस दर्पण का जो प्रवर्तक सतह है, जिधर से रंगा हुआ सतह नहीं, कलाई की गई सतह है, इधर वाली सतह को हम लोग प्रवर्तक सतह कहेंगे। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? ये दर्पण अवतल दर्पण हो गया। अवतल में बना है दो शब्दों से, अवत जोड़ तल, अवत का मतलब धंसा, अतल मतलब सतह, कौन से सतह? प्रवर्तक सतह, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, ऐसे दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। इसको अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर, इसे अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कुछ अवतल दर्पण की और खासियत सुन लें, यानी आपसे पूछेगा अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है, तो आप बोलिएगा वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। वैसा अवतल दर्पण का एक नाम और होता है नत्तोदर दर्पण भी इसे कहते हैं। दो शब्दों से बना है नत्तोदर भी, नत् जोड़ उदर, नत् मने धंसा हुआ, झुका हुआ, उदर मतलब पेट। यहाँ पेट का मतलब प्रवर्तक सतह, यानी जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो, नत्तोदर दर्पण या अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये तीन बातें जरूर ख्याल रखेंगे, क्योंकि एक प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण का अगर हम कहेंगे तो कहेंगे वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह उभरी हुई होती हैं, उठी हुई होती हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं और इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ, समतल दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह समतल होती हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक तथा आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक वस्तु के लिए आभासी प्रतिबिंब, आभासी वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का मतलब होता है वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतहें क्या होती हैं, धंसी हुई होती हैं, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को नत्तोदर दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण से वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण माने वैसा दर्पण माने ऐसा दर्पण होता है जिसकी प्रवर्तक सतहें उभरी हुई होती हैं, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, या केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो, माने इससे केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में कौन से ऐसे दर्पण हैं जिससे केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अगर केवल आभासी प्रतिबिंब की बात होगी तो आंसर उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब समतल से भी बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब अवतल से भी बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब उत्तल से भी बन रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। कोई आपसे पूछेगा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, केवल नहीं बन सकता है, तो उसमें च्वाइस समतल भी रहेगा, अवतल भी रहेगा, उत्तल रहेगा, सभी रहेगा, तो मेरा करेक्ट आंसर सभी दर्पण होगा। बस आज इतना ही, अब अगला दिन हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते चलते